अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम अडयाला जेल जा रहे हैं। आज तोशाखाना केस की समाअत है और इसमें बताऊं आपको कि खान साहब और बीबी साहबा को तो इस केस के अंदर अब एक मिनट भी पाबंद सलाह से नहीं रखा जा सकता। उसकी रीजन ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है नैब तरमीम के हवाले से, तो इस केस को तो अब चला ही नहीं जा सकता और बीबी साहबा को तो फौरन रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? आपको पता ही है कि जब फिक्स मैच हो, लंदन प्लान हो, लंदन एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, तो फिर तमाम उसके अंदर जो भी हैं, चाहे वो जजेस आए, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो नैब वाले हैं या दीगर हैं, तो वो उसमें अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो वो रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन उनको तो कम से कम रिहा कर देना चाहिए था। और खान साहब भी इस केस में मजीद पाबंद सरासर नहीं रह सकते। खान साहब की रिहाई इस हवाले से मुमकिन नहीं थी, क्योंकि खान साहब के ऊपर 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उनमें भी उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो उनकी टैक्टिस है कि अगर एक केस से बंदा रिहा होता है तो दूसरे केस में उठा लेते हैं, लेकिन खान साहब के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं और इंशाल्लाह ताला ये जुल्मत की रात जलेगी। जिस तरह आपने रात को एक कामयाब तरीन जलसा किया, उसकी भी मैं तफसीलात जो है खान साहब को आगाह करूंगा कि किस तरह माशाल्लाह आप निकले, आपने मुल्क की खातिर जो है वो सारी जो है वो रुकावटें तोड़ी, आप पहुंचे, पैदल पहुंचे, बड़े दूर दूर इलाकों से पहुंचे, पूरे पाकिस्तान से आप आए, ओवरसीज पाकिस्तानी आए, तो बहुत जबरदस्त आपने पार्टिसिपेशन की। तो इस हवाले से मैं खान साहब को मुकम्मल जो है वो तफसीलात जो है आगाह करूंगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है उनसे, तो उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह बात होगी और आपको तमाम तफसीलात दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी।